तो बैक के लिए भी कई प्रोग्राम हो सकते हैं। एक तो बेसिक शेड्यूल जो मैंने इस वीडियो में दिखाया है आपको, चार ये बेसिक एक्सरसाइज हैं, इसमें आप पुलअप्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लग पाए तो। 8-10 रैप आप निकाल पाते तब तो ऐड करें, अभी नहीं लग पाते तो आप थोड़ा वेट करें अपनी स्ट्रेंथ को गेन होने दे, फिर आप पुलअप्स इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉमन शेड्यूल सबको सूट करेगा। और देखो बैक में वाइड और क्लोज ग्रिप का कॉम्बिनेशन होता है, आप कोई भी बैक का वर्कआउट बनाएंगे शेड्यूल बनाएंगे उसमें ये दोनों का मिक्स चलता है। कुछ वाइड ग्रिप की एक्सरसाइज है जो आपके अपर बैक पर ज्यादा काम करेगी वो मैंने इस वीडियो में दिखाई है, और जो क्लोज ग्रिप की मूवमेंट्स है वो मैंने इस वीडियो में दिखाई है आपको, ये आपकी लोअर बैक और मिडिल बैक की थिकनेस पे काम करेगा। तो जब भी आप अपना बैक का वर्कआउट बनाते हैं तो वाइड और क्लोज ग्रिप की अपना एक कॉम्बिनेशन बनाएं, 2 या 3 एक्सरसाइज उसमें से लेके टोटल 4 या 5 एक्सरसाइज, और सिंगल आर्म डंबल रोइंग ऐसी एक्सरसाइज जिसको आप क्लोज और वाइड दोनों में काउंट कर सकते हैं। तो ये 4-5 एक्सरसाइज का शेड्यूल आप बना सकते हैं खुद से, इसमें कई तरह के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे आपकी सहूलियत के लिए। मैंने ये 4-5 एक्सरसाइज दोनों की दिखाई है। तीसरा, अगर आप पावर लिफ्टिंग करते हैं तो आपने सबसे पहले डेडलिफ्ट को ही करना है, या आप डेडलिफ्ट नहीं भी पावर लिफ्टिंग करते हैं, आपको हैवी डेडलिफ्ट करना पसंद है तो आप ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए डेडलिफ्ट आपका एक ट्रेनिंग में 3 से 6 रैप की हैवी ट्रेनिंग रहेगी, और सेकंड ट्रेनिंग वीकली जो आएगी वो आपकी 8-10 रैप की लाइट ट्रेनिंग रहेगी, जो 60-70% लोड पे आपने करना है। इनमें से आप कॉमन अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं बैक का। मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है किस तरीके से आप अपनी ओवरऑल बैक को डेवलप कर सकते हैं, लोअर बैक को भी उतना ही आप फोकस करके करें जितना अपर बैक को करते हैं। थैंक यू।